बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, टीचर है टीचर और मेरे मोजेद असातिज़ा कराम, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। PMIU का अहम जो नोटिफिकेशन आया है, स्कूल शुमारी के लिए चेक लिस्ट क्या होगी? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सेंसस 2021 जो अक्टूबर के महीने में होती है, उसकी जो चेक लिस्ट है, ऑफिसर्स स्कूल्स में सिस डाटे पर आके उन्होंने क्या चेक करना है, चेक लिस्ट क्या होगी, तो वो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। वो पूरी डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शर्त ये है कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो तुम्हें एक एक चीज़ सारी का सारी मालूमात हो जाएगी। जी हाँ मेरे मोजेज असातिज़ा कराम, PMIU का अहम नोटिफिकेशन है, स्कूल शुमारी के लिए चेक लिस्ट क्या होगी। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, एक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। मेरे मोजद असातिज़ा कराम, ये स्कूल सेंसस के दौरान कौन सी चीज़ें चेक की जाएंगी? स्कूल सेंसस 2021-22 वो लिस्ट है जो स्कूल विज़िट के दौरान चेक की जाएंगी। ऑफिसर आपके डाटे सिस डाटा पर चेक करेंगे कि आपने अपलोड कर दिया है या नहीं, तो वो चीज़ें ये पूरी अच्छे तरीके से आप अपने सिस टैब पर इंटर कर लें ताकि उस वक्त की परेशानी से बच जाएं। तो सबसे पहले है क्लासरूम और डेंजरस बट बिल्डिंग कंडीशन इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। क्लासरूम चेक किए जाएंगे लेकिन अगर बिल्डिंग सेटिस्फाई है। ऑल सेक्शन आर सिटिंग इन ओपन एयर वेयर आज फंक्शनल क्लासरूम एग्जिस्ट। तमाम क्लासरूम सेक्शन जहां पर खुली फ़जा में जहां पर क्लासें बैठती हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। बाउंड्री वॉल रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बट यू हैव नॉट मेंशन बाउंड्री वॉल अवेलेबिलिटी। चार दीवारी चेक की जाएगी जो कि पहले नहीं थी लेकिन अब थी, तो लेकिन उसका जो आपने हवाला नहीं दिया हुआ था जो कि अब चेकिंग के दौरान वो बन चुकी है, तो उसको भी चेक कर दिया जाएगा। बिल्डिंग इज़ अवेलेबल बट कंस्ट्रक्टेड एरिया इज़ ज़ीरो। जी हाँ, बिल्डिंग भी अवेलेबल है लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो ज़ीरो है, वो नहीं है, तो ये भी चेक किया जाएगा। इसी तरह बिल्डिंग इज अवेलेबल बट मेंशन दैट स्कूल इज रनिंग इन ओपन स्पेस। बिल्डिंग मौजूद है लेकिन जो स्कूल है वो ओपन खुली फ़जा में चल रहा है, ये भी नोट किया जाएगा। बिल्डिंग इज अवेलेबल बट नो रूम एग्जिस्ट। बिल्डिंग मौजूद है लेकिन क्लासरूम कमरे मौजूद नहीं है। बिल्डिंग इज क्रिटिकली डेंजरस बट नो रूम क्लासरूम डेंजरस। जो कि बिल्डिंग पूरी डेंजरस है लेकिन जो क्लासरूम है वो डेंजरस खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट है बिल्डिंग इज़ नॉट अवेलेबल बट ECE रूम इज़ अवेलेबल। इमारत मौजूद है लेकिन ECE जो है, इमारत मौजूद नहीं है लेकिन ECE जो रूम है वो मुहैया नहीं है। इसके बाद है बिल्डिंग इज़ नॉट अवेलेबल बट मेंशन द बिल्डिंग कंडीशन ओनरशिप।
इमारत मौजूद नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसका जो ओनरशिप है वो मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, बिल्डिंग इज नॉट अवेलेबल बट रूम एग्जिस्ट। इमारत मौजूद नहीं है लेकिन रूम यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग, क्लासरूम रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड, क्लासरूम तामीर किए गए हैं, बट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल क्लासरूम आर जीरो, लेकिन जो तमाम क्लासरूम है वो फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, इसी रूम, कंप्यूटर रूम इज नॉट अवेलेबल, कंप्यूटर रूम नहीं है, बल्कि अदर इंडिकेटर रिलेटेड टू इसी रूम आर मेंशन, बल्कि जो इसी रूम के हवाले से जो इंडिकेटर है वो मौजूद है। इसी रूम इज नॉट अवेलेबल बट अदर इंडिकेटर रिलेटेड टू इसी रूम आर मेंशन, इसी रूम को जो है मुहैया नहीं है, बल्कि जो दूसरे इंडिकेटर हैं इसी रूम के वो यहाँ पर मुहैया किए गए हैं। नेक्स्ट है, इनवैलिड कंस्ट्रक्टेड एरिया, जो तामीराती एरिया है वो इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड प्लेग्राउंड एरिया, यहाँ पर कौन सा एरिया है जो इनवैलिड है, खेल का मैदान कितना इनवैलिड है। इनवैलिड NA नंबर फ्रीज, यहाँ पर जो नेशनल असेंबली का नंबर है वो फ्रीज हो चुका है। इनवैलिड नंबर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इन एनी सब्जेक्ट 6 कैरेक्टर, लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं कोई मजमून भी है जो 6 कैरेक्टर पर मुश्तमिल है वो अवेलेबल नहीं है। इनवैलिड नंबर ऑफ उर्दू, इंग्लिश और साइंस बुक्स 6 कैरेक्टर, इसी तरह उर्दू, इंग्लिश और जो साइंस की बुकें हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, ये चेक किया जाएगा हैं या नहीं। इनवैलिड पीपी नंबर, प्रोविंशियल असेंबली का जो नंबर है वो पंजाब प्रोविंशियल नंबर, उसको भी चेक किया जाएगा। लैब रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बट साइंस लैब इज नॉट अवेलेबल, साइंस की जो लैब है उसके लिए भी तामीराती काम हो गया, लेकिन साइंस की लैबोरेटरी वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बट लाइब्रेरी इज नॉट अवेलेबल, लाइब्रेरी मौजूद है लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। मेल स्कूल हैविंग टोटल गर्ल्स इनरोलमेंट, मेल स्कूल है लेकिन उसमें गर्ल्स की जो इनरोलमेंट है वो कितनी है, ये चेक किया जाएगा। प्राइमरी, मिडिल, हाई, हायर सेकेंडरी स्कूल विद ज़ीरो फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा जो प्राइमरी या मिडिल या हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें फर्नीचर ज़ीरो है वो, उसको भी चेक किया जाएगा। नंबर ऑफ चेयर्स टेबल्स आर ज़ीरो फॉर टीचर इन मिडिल हाई सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल, चेयर की तादाद को जो टीचर्स के इस्तेमाल में होती हैं उनको भी चेक किया जाएगा। नंबर ऑफ चार्ट चेयर्स टेबल आर ज़ीरो फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में जो चेयर्स की तादाद है उसको चेक कर दिया किया जाएगा। नंबर ऑफ चेयर्स टेबल आर ज़ीरो टीचर्स इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इन सब में चेयर्स की तादाद को चेक किया जाएगा। एन ए नंबर यानी कौमी असम्बली का जो नंबर है वो लिखा हुआ है या नहीं है, पी पी नंबर पंजाब प्रोविंशियल नंबर जो है वो लिखा हुआ नहीं है, स्कूल जेंडर, स्कूल जो
है, मेल है या फीमेल है, वो उसको चेक किया जाएगा। स्कूल लोकेशन अर्बन रूरल, स्कूल की जो लोकेशन है रूरल है या शहरी है या देहाती है, ये चेक किया जाएगा। इसी तरह री वेरीफाई दैट द स्कूल बिल्डिंग इज फुल्ली डेंजरस, दोबारा इसकी वेरीफाई किया जाएगा कि तमाम बिल्डिंग जो है ख़तरनाक तो नहीं है। इसी तरह री वेरीफाई दैट द स्कूल इज रनिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, जो ऐसे स्कूल हैं उनको वेरीफाइड कर दिया जाएगा जो बगैर बिल्डिंग के चल रहे हैं, उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। री वेरीफाई ऑल रूम्स क्लासरूम आर डेंजरस, तमाम ख़तरनाक डेंजरस जो क्लासरूम हैं उनको भी चेक किया जाएगा। इसी तरह स्कूल नेम आर स्कूल लेवल इज इनकरेक्ट, स्कूल का जो नाम है वो लिखा हुआ है या नहीं है, इसको भी चेक किया जाएगा। साइंस लैब अवेलेबल बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइंड लैब इज नॉट अवेलेबल, ये लैब भी चेक की जाएगी, लेकिन कंबाइंड लैब भी इसमें अवेलेबल नहीं है। टॉयलेट रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बट टोटल नंबर ऑफ यूजेबल टॉयलेट्स आर ज़ीरो या यस, टॉयलेट की तादाद जो मौजूद है उसको चेक किया जाएगा, इस्तेमाल में कितने हैं और बग़ैर इस्तेमाल में कितने हैं। री वेरीफाई दी डिसेबिलिटी स्पेशल चिल्ड्रन डाटा, जो स्पेशल बच्चों का जो डाटा है वो उसको री वेरीफाई किया जाएगा। इनवैलिड एससी मेंबर्स, इन जो स्कूल काउंसिल के मेंबरान हैं उनको भी चेक किया जाएगा। चेक ऑल सिमिलरी इंडिकेटर दैट आर इन सेंसस एंड मंथली मॉनिटरिंग, ये मंथली मॉनिटरिंग और सेम जो इंडिकेटर हैं सेंसस के उसको भी चेक किया जाएगा। मेरे मोजे साथ कराम 40-41 इंडिकेटर हैं, ये लिस्ट है नंबर्स की, तो इसको इस तरह लाजमी चेक किया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है उसको प्रेस करें, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करेंगे तो हमारी अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हंसते रहें, मुस्कराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।